जी हाँ दोस्तों, जावेद गनी को मारने के लिए इस पहलवान ने करवाया काला जादू। ये देखिए, बकरे का खून लाकर अखाड़े में छिड़क दिया इस पहलवान ने। ये पहलवान काले जादू का माहिर है, जिसके गुरु ने दिया है इसे बकरे का खून कि जा बेटा छिड़क दे अखाड़े पर और आज तू हरा दे जावेद गनी पहलवान को। तो दोस्तों, आज की कुश्ती में देखना है इस पहलवान का काला जादू चलता है या जावेद गनी का ताबीज की करामात। देखिए दोस्तों, कैसे पूरे अखाड़े पर बकरे का खून पड़ा है। अब जावेद गनी का जो ताबीज़ है उसको भी निकाल कर फेंक देगा ये पहलवान। देखना यह है कि इस गुरु का काला जादू चलता है। ये देखिए, जावेद गनी ने पहन लिया है अपना ताबीज, ये दे दिया है रेफरी के हाथ में और ये शायद छीन कर फेंक देगा जावेद गनी का ताबीज़। तो एक तरफ है काला जादू और दूसरी तरफ है जावेद गनी का तिलस्मी ताबीज। देखना यह है इस कुश्ती में कौन जीत पाता है। ये कौन फाटे पहलवान गुजरात पठानिस्तान का, उन्हीं के सवालों के जवाब में ये जावेद गनी पहलवान बीएसएफ चंपू कुश्ती का समय 12 मिनट। चलिए हम सब पहलवान आ जाए मन सब। Yeah.
झूठ बोल रहा है कुत्ते हो भाई धोखा है वो तो धोखा तरफ एक रियाल नहीं है सारी इसके तरफ है धोखा है अरे कितना झूठ बोलते एक प्रधानमंत्री तुझे सही कह रहे हो भैया बहुत अच्छे I'm going to go.